कई बार कहते हैं जिंदगी समझ नहीं आ रही, 10-10 साल हो गए फेलियर चल रहा है, काम में सफलता नहीं है, रिश्ते ढंग से नहीं हो रहे, समझ क्यों नहीं आ रही। कुछ लोग इतने अमीर हो गए हैं, इतने बढ़िया चल रहे हैं, दारू पीपी के पागल है, लिवर फेल नहीं होता, पता नहीं बैठे बैठे लक्ष्मी उनके घर के बाहर ही खड़ी रहती है। क्या समझ आ गया उनको, ऐसा क्या समझ लिया है ऐसे कुछ लोगों ने जिनके जीवन में मस्ती है, आनंद है, वाह भाई वाह मजा है। तो ये एक बहुत गहरी परेशानी है कि क्या किया जाए। छोटा बच्चा, मम्मा कल मेरा पेपर है, बेटा फटाफट रिवीजन कर ले, डिंग 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 डिंग, हाँ मैथ्स का पेपर है बेटा, हाँ अच्छा होना चाहिए बेटा, अरे मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, चेक कर लिया, बढ़िया हो गया। पेपर पे गए, वापिस आए, बच्चा रो रहा है, मम्मी भी रो रही है, पापा को सुनाया, पापा ने एक थप्पड़ जड़ दिया, साले क्या करता, अरे नहीं रात को चेक किया था, फर्स्ट क्लास था इसका, पेपर के टाइम क्या हुआ, मम्मा समझ नहीं आया, पेपर देते हुए मेरे पता नहीं क्या हो गया, मेरे को पेपर नहीं दिया गया, ब्लैंक ही छोड़ाया। ऐसा होता है, हमें आता है उस समय नहीं बोला जाता है, बोले हाँ सास से बात करूंगी, मम्मी आपने अच्छे से समझा दिया, पर जब सास सामने आई बोलती बंद, घिग्गी बंद, ये समझ आया कहां, गया कहां। ऐसे ऐसे बच्चे जो शुरुआत में ही जीवन में मैथ्स के पेपर में अपनी बैंड बजा देते हैं और उन्हें समझ नहीं आता, उनका एक बटन ऑन हो जाता है जीवन भर के लिए, समझ नहीं आना। बड़ी सुंदर बात एक मैंने सुनी व्हाट्सएप पे, कोई कह रहा था हमारा चोरी का माल है, कि जब एक बच्चा खेल रहा है और खेलते हुए उसकी मम्मी आई, कान पकड़ा, घसीट के ले गए, चल पढ़ाई कर, तो बच्चे ने कहा पढ़ाई कर यार, ये पढ़ाई के चक्कर में साले खेलने नहीं दे रहे, पढ़ाई मेरी दुश्मन है। उसने सबकॉन्शियस माइंड में सोच लिया पढ़ाई मेरी दुश्मन है। अब अगला दिन आ गया, अब किताब खोलनी है ना, खेलने जाना है, लेकिन अंदर सबकॉन्शियस कह रहा है हेलो सुन पढ़ाई दुश्मन है तेरी, तेरे को पता है। उसका पढ़ने में मन लगना बंद हो जाता अगले दिन से। 10वीं क्लास तक फर्स्ट क्लास आया बच्चा, और उसके बाद 11वीं क्लास से इतनी बुरी बैंड बजी कि शायद फेल ही हो जाए 12वीं में। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के सबकॉन्शियस में यह चला गया है कि खेल तेरा बंद, पढ़ाई नहीं किया है। जब सास बहू साथ रहती है, पति आता है घर में, तो सास माँ कहती है बेटे को कुछ, बेटा ऐसा है, बहू उसी टाइम कुछ कहती है मम्मी ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कहती है बस ये बहू मेरी दुश्मन है, बेटे को कुछ कहने नहीं देती। हालांकि कोई रोल नहीं है, लेकिन सब कॉन्शियस में चला गया। अब कल ना बेटा है घर में ना कोई और है, लेकिन वो दुश्मनी का बीज पड़ चुका। ये ऑटोमेटिक समझ आया है, कैसी मजे की बात है। और बॉडी के अंदर 10 साल तक यही हाल रहता है, मैथ्स का एक पेपर गड़बड़ हुआ और जिंदगी भर के लिए नेचर बन गई, पेपरों की बैंड बज गई, खत्म। व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है जो समझता है। धरती पे जितने भी आविष्कार हुए, आविष्कार का मतलब होता है कुछ नया कर डाला, वो आविष्कार उन लोगों ने किया है जिन्होंने खुद समझा। आप समझा समझा के थक गए बच्चे को, मामा जी की बात सुन ले, पापा जी की सुन ले, पूर्वज ये कहते आए। जिस बच्चे ने कुछ नया किया है ना, नया, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी खोजें जिसकी किताब भी नहीं लिखी गई, उसने अपने आप समझा है। हमारे जीवन में जब बच्चों के कान पकड़ गए या किसी को जबरदस्ती हम समझा रहे होते हैं ना, तो उसको ज्यादा समझना नहीं चाहिए वैसे, और समझाने वाले की तो वैसे भी समझ नहीं आती। अपने आप विकसित होने दो, धक्के खाने दो, एक दिन नई डिस्कवरी करता है व्यक्ति। जिस व्यक्ति ने धक्के खा के खुद सीखा है, उसका ब्रेन कुछ नया सीखता है, कुछ नया समझता है। इसलिए पीछे मत पड़ो, तेरा मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं हो रहा, इसलिए सारा कुछ समझने का और समझाने का ठेका बंद कर दो। अब हमारे ब्रेन के अंदर समझ आता है सब कुछ,